जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का आज की इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सो इम्पोर्टेंट सेशन हमारा ये रहने वाला है। HPPSC के द्वारा एक लंबे समय के बाद TGT और PGT की भर्तियां निकाली जा रही हैं, जिसमें आज PGT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया 2024 में। काफ़ी लंबे समय के बाद PGT का एग्ज़ाम ये हुआ है, और PGT हिंदी का आपका ये एग्ज़ाम रहा था, और नए रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया, जिसमें मेनली दो पेपर, पेपर वन पेपर टू रखे गए थे। तो पेपर वन को हम डिस्कस करने वाले हैं, और आप देख सकते हैं लेवल किस तरीके से अब हाई होने वाला है। HPPSC के जो एग्ज़ाम है, थोड़े से अप लेवल के एग्ज़ाम यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। टीचर एजुकेशन थोड़ी सी यहाँ पे हाई लेवल की आपके लिए रहेगी। क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लेवल के भी यहाँ पे माने जा सकते हैं, कुछ बेसिक से भी थे, लेकिन जो एक घंटे के अंदर अगर इन क्वेश्चंस को अगर कवर करना है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये रहेगा। सो क्वेश्चंस की आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। सो जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन था, जिसमें आपको हिंदी में ही हम इसको रीड करते हैं, इसमें आपको बताया गया था कि कौन से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किस अवधि तक ये रहे थे। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का पेपर हम इसको मान सकते हैं, और पेपर वन फर्स्ट टाइम हिमाचल में ये पेपर वन कंडक्ट करवाया गया है किसी भी एग्जाम में। और इसका जो राइट आंसर था सेकंड का, वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहना था। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने आपके पेपर वन में क्वेश्चन रहेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पेड़ पौधों की वनस्पतियाँ जो पश्चिमी हिमालय में भी पाई जाती हैं कितने प्रतिशत हैं। इसका राइट आंसर रहेगा 95%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर था, जिसमें भारत के भूकंपीय मानचित्र में जो भूकंपीय क्षेत्र है IS 1893 से 94, उसमें जो संशोधन के बाद हिमाचल प्रदेश को जो किस क्षेत्र में रखा गया था, वो यहाँ पे पूछा था कौन से जोन में हिमाचल प्रदेश आता है। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्षेत्र 5 और 4। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हिमाचल प्रदेश के विधानसभा ने लगभग 55 कानूनों को पारित किया था, जिसमें कई प्रगतिशील कानून थे, और इनमें से कौन से सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील इनको माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हिमाचल प्रदेश अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो थोड़ा सा अप लेवल का पेपर ये जो है वो यहाँ पे माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो था, उसमें गलत कथन आपको चूज करना था, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। डायरेक्ट यहाँ पे देखा जा रहा था कि जो चोटी है वहाँ पे शिव के सोने की आकृति है, और श्रीखंड की जो हाइट है वो 18,626 फीट बताई गई है, बट 18,626 फीट श्रीखंड की हाइट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, क्योंकि गलत कथन को यहाँ पे चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कांगड़ा में पहली बार नई सांस्कृतिक पहचान का ऐसा मिश्रण मिलता है जिसमें पारंपरिक भारतीय संस्कृति और फारसी कोर्ट लाइफ अदालती जीवन का अद्भुत मिश्रण प्रतीत होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अकबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, आपको सही कथन बताना था, तो 8th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें जो पहला हिमाचल प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 60% क्षेत्र वर्षा संचित है, और सिरमौर जिले में सबसे अधिक बारिश होती, तो दोनों ही ये सेंटेंस गलत बताई गई थी स्टेटमेंट, जिसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, जिसमें दोनों ए और बी दोनों ही हमारे क्या होंगे, गलत है। स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है, देन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगी, क्योंकि सिरमौर में सबसे अधिक बारिश नहीं होती, जिला कांगड़ा के धर्मशाला में सबसे अधिक बारिश होती है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन में 2020-21 में आपको बढ़ते क्रम में इन जिलों को बताना था। देखिए, जितने भी क्वेश्चन HPPSC के द्वारा पूछे गए थे उनमें सभी में थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया गया था, किसी को अरेंज करना था, किसी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, थोड़े से अप लेवल के बेसिक स्टैटिक GK, अब आप धीरे धीरे उस चीज़ को भूलते जाइए, थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं।
नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सबसे पहले किन्नौर आता है फल उत्पादन में, देन कुल्लू, फिर मंडी एंड देन शिमला। तो ऑप्शन नंबर डी 4321 बढ़ते क्रम में आपको बताना था, किन्नौर सबसे पहले, कुल्लू उसके बाद, मंडी उसके बाद, देन शिमला। शिमला में सेब जो है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताना था आपको कि PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो 2021-22 में हुआ था, उसमें हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर कितनी है, तो 4% उस सर्वे के अनुसार थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे, डायरेक्ट इनको मैं आंसर ही बताऊंगा। जो 11th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऑफ। 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वंस, वन। 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सक्सेस। 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनडिफरेंस। देन 15 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द फ्रॉड केसेस हैव बीन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पैनकियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी रहेगा, वेरी डिफिकल्ट। एंड 20 फेयर एंड सीक्वेंस, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अपराइट। तो ये आपके इंग्लिश के सेक्शन के क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट हिंदी की बात करें, हिंदी थोड़ी सी इजी वे में, जहां तक मेरे को लगी कि हिंदी थोड़ी सी इजी वे में पूछी गई थी। सीरीज डी को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने सीरीज के अकॉर्डिंग इसको आंसर को टिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सभी शब्द पर्याय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं, तो पर्यायवाची शब्द का यहाँ पे आपको दिया गया था। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन ऑप्शन में ही डिफिकल्टी जो है वो लेवल कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सदन निले निकेतन मंदिर धाम। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पदों और कारकों के बारे में बताना था, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा, रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, कर्म कारक। अगला है सचिन आता होगा, क्वेश्चन 23, वाक्य का काल बताना था इसका, आता होगा यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो सामान्य भविष्य काल इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है, डायरेक्ट पता चल रहा है प्रत्येक बोधक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 25 माँ आ जाती तो मैं चलता, ये वाक्य जो है वो मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। समालोचन में बताना है कौन से उपसर्ग हैं, कितने प्रत्यय हैं। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय इसमें रहेगा। क्वेश्चन 27, व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य कौन सा है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28, कर रहा हूं ना, इस वाक्य में न अव्यय है, कौन सा अव्यय है ये आपको बताना था। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, निश्चय के अर्थ में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था, इसमें सर्वनाम बताना है, जो आप शब्द में लगा है वो कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी रहेगा, निजवाचक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 30, लास्ट क्वेश्चन हिंदी का था, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन था, किस वाक्य में साथ शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग किया जाता है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बेटा ड्राइवर के साथ गया। तो हिंदी थोड़ी सी मेरे को इजी लेवल की लगी, बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल ही हाई लेवल के थे, लेकिन उनको डिफिकल्ट बनाने की कोशिश वहां पे की गई थी, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाए, और ज्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट पेपर को ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑप्शन इसमें बताए गए थे कौन सा संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, तो वो है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आरबीआई कुछ बच्चों ने टिक किया, वो इसका आंसर गलत है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको मैच करने थे कॉलम, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के साथ उनकी थीम को दर्शाया गया था। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी कुछ टाइम पहले लाइव क्लासेस में, वहां पे ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था,
तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में बनाने की यहाँ पे जो है वो कोशिश की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसमें जो ए का ऑप्शन है वो थर्ड आएगा। जो नवी योजना थी उसमें ऐतिहासिक विषमता को कम करना तथा समृद्धि करना, ये मैंने आपको करंट अफेयर की क्लासेस में भी करवाया था, जनवरी 2024 की करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। और जो बी था दसवीं योजना, इसका था फर्स्ट जीडीपी की उच्च दर और गरीबी उन्मूलन, ये दोनों क्वेश्चन मैंने कराए थे, यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सिंपल सा क्वेश्चन था, सार्क का हेडक्वार्टर पूछा गया था, स्थाई सचिवालय यहाँ पे पूछा गया था, तो वो है काठमांडू में। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी लेवल का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा देश बिम्सटेक का सदस्य नहीं है। 34 का राइट आंसर भूटान रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 35, इसमें आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए थे। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जिसमें कथन ए, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है और सऊदी अरब, मिश्र, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, इथियोपिया 2023 में ब्रिक्स समूह में शामिल हुए थे। तो ये दोनों कथन जो है वो राइट हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 है, फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा पूछे गए थे, तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जिसमें भारत की संघीय राजनीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वैसे तो 37 का यहाँ पे, इसमें सरकार के दो स्तर मौजूद होते हैं, दो लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ तक कुछ हद तक यहाँ पे सही लग रहा है। शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता है और मिजोरम को विशेष प्रावधान, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो सारे ही यहाँ पे ऑप्शन सही है, बाकी डिपेंड करता है ऑफिशियल आंसर की के ऊपर। अगर आपको इसका आंसर करेक्ट पता है तो आप जरूर इसको कमेंट कीजिए क्या इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ज्यादा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दोनों ही स्टेटमेंटे जो है वो गलत थी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1922 में दांडी मार्च यात्रा से हुई थी, दांडी मार्च 1930 में हुई थी, स्टेटमेंट गलत है। और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का एक कथन दिया गया था, वो भी यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन था ये इस जीके के सेक्शन का, सॉरी इसमें 50 क्वेश्चन, हाँ इसमें अभी और हैं जीके के क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आर्थिक विज्ञान में काम करने के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार दिया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिकाओं को निभाते हुए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 41, यहाँ पे रहेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। दोनों कथन, कथन एक गलत है, कथन दूसरा सही है। क्वेश्चन 42, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कौन सी नीति शुरू उनके द्वारा नहीं की गई है, तो 42 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन परिषद की स्थापना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी बिल्कुल इजी ऑप्शन दिए गए थे इसमें। क्वेश्चन 44 है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया। देखिए करंट अफेयर अभी हाल ही में, अभी 7 अप्रैल आज हुई है और फरवरी 2024 का करंट अफेयर जो है वो पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमने फरवरी मंथ की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वो हमने, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा डिटेल के साथ बताया था। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, काफी न्यूज़पेपर में भी ये चर्चा में रहा था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। करंट अफेयर के सेशन को आप जरूर लगाइए, कुछ टाइम के बाद आपको अप्रैल मंथ का भी करंट अफेयर का सेशन आपको देखने को मिलेगा विजयपथ एजुकेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 44, यहाँ पे रहेगा, इसमें उभरती जेनेटिव AI जो टेक्नोलॉजी है उसका एक क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर रहेगा 44 का वो ऑप्शन बी रहेगा, डेल ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है, जिसमें संसद ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 कब पारित किए यहाँ पे पूछा गया था, तो ये भी देखिए फरवरी मंथ के करंट अफेयर से ही ये जुड़ा हुआ है, 9 फरवरी 2024 को 14 कार्रवाइयों में इसको जो है वो पारित किया गया था, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 46,
सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमाचल से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए झेलम जो है इसका राइट आंसर रहेगा, जम्मू से ये गुजरती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, अब देखिए 50 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन सिंपल डाल दिए और बाकी क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल कर दिया, तो कहीं ना कहीं पे एवरेज अगर देखी जाए तो वो डिफिकल्टी ही रहेगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दोनों कथन सही है। नाट्य नृत्य में दुनिया का सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसको रिकॉर्ड किया गया और कुल्लू नाटी नृत्य दशहरा पर किया गया भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी गोपियों के साथ रासलीला को दर्शाया गया है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, हिमाचल वासियों को इसका पता है, कुल्लू के जितने निवासी हैं उनको ज्यादा इसका आइडिया है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, पहला आम चुनाव। देखिए क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को देखिए, अभी तक जो एग्जाम पूछे जाते थे उसमें यही क्वेश्चन आता था कि पहला आम चुनाव कब हुआ, या हिमाचल के जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा वोट दिया गया था, श्याम शरण सिंह जी नेगी जी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब लेवल्स को थोड़ा सा अप किया जा रहा है, कहाँ से इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पांगी तहसील, चीनी तहसील, क्योंकि वहीं के वो रहने वाले थे इसीलिए प्रथम उनको जो है वो वोटर हिमाचल का जो है वो भारत का माना जाता है। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त के रूप में कब इसको नियुक्त किया गया एज अ चीफ कमिश्नरी, और डेट आपको यहाँ पे पूछी गई है, रियासतें पूछी गई हैं। 49 का ऑप्शन नंबर ए, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो हिमाचल का गठन हुआ था। अब आने भी वाला आज तो 7 अप्रैल है, 15 अप्रैल को हिमाचल का हिमाचल दिवस जो है वो हम यहाँ पे मनाने जा रहे हैं, हिमाचल डे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया था। देखिए लेवल्स का यहाँ पे पता चल रहा है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए। जो लास्ट क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन, इसमें भी आपको कथन बताने थे और इसमें कथन एक और दो दोनों ही गलत दिए गए थे, सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। तो ये हमने आज HPPSC के द्वारा जो 7 अप्रैल 2024 को PGT का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उसका पेपर वन को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको जितने क्वेश्चन कराए गए वो आपके सभी सही हों, PGT की आपकी जॉब लगे, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आंसर की में आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, हम उसको ट्राई करेंगे कि उसको सही जानकारी आपके तक जो है वो आपके द्वारा भी यहाँ पे हमारे लिए वो हेल्पफुल रहे, हम उसको प्रोवाइड करवाएँ अनदर स्टूडेंट्स के लिए। सो जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। विजयपथ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।